नमस्कार सुप्रभात मॉर्निंग बॉस को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेले प्रथमे हेडलाइंस प्रफुल्ल विश्वाळंक मृत्यु को नहीं कांग्रेस रा विस्फोटक बयान अतीत परे चढ़ाई देछंती गाड़ी रमाकांत बराळ एफआईआर रे पूर्णी प्रताप जेना फोन करी प्रफुल्ल कहिथिले मंत्री प्रताप जेनांको पाई फसिली डीसीपी को मोरे तुंडी प्रकाश पाइला मैट्रिक परीक्षा सूची सकाळ 8टा रु 10टा जाय चालिबो परीक्षा गणित परीक्षा पाई मिलिबो अधिक 15 मिनिट समय परीक्षा आरंभ हे पर 15 मिनिट पूर्वरु बंटा जिवो प्रश्न काम देउनी राज्य सरकार को 5G ओ मो सरकार योजना अपेक्स कमिटी बैठक खोली देला सरकार को पोल अर्थ खर्च करी यूसी दाखल करुनाती सरकारी विभाग 34 विभाग ऊपर गड़ुछि 34,000 कोटी रु ऊर्ध्व यूसी ए काम ऐतिह्य को सुरक्षित करिबारे विफल राज्य सरकार सौंदर्यीकरण नारे पुरातन कीर्तिराजी को करा जाउछ अनदेखा लिंगराज मंदिर चतुर्पार्श्व उच्छेद बेले अनेक ऐतिह्य संपन्न मंदिर नष्ट खनन कार्य उपरे रोक लगाइला एएसआई राफुल मृत्यु रहस्यु अटुनी पर्दा 15 दिन पर भी राकेश सहयोगी निकट में पहुंची पारिनी पुलिस परिवार अभियोग चापी देवाक उद्यम करुछि पुलिस सीबीआई तदंत दाबी उत्तराखंड में जल प्रलयर विकटाल रूप 26 मृत निखोज संख्या 200 उपरे अंचल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हिमस्खलन तदंत दुईट टीम गठन घटनास्थल को जाई अध्ययन कर देशभक्ति प्रदर्शन करी आक्रोश शिकार भारतीय सेलिब्रिटी विवाद को टाणुची महाराष्ट्र शिवसेना कांग्रेस मेंटो सरकार सरकार जांच रहे शिकार इंडिया एग्नेस्ट प्रोपागंडा ट्वीट करी विदेशी अपप्रचार देते जवाब एवं राज्य में शीतलहरी जारी आसंता दुई दिन पर्यंत विभिन्न स्थान में 2-3 डिग्री खसीपे पारद सर्वनिम्न तापमात्रा 7.5 डिग्री सह फुलवाणी सबुठ थंडा सहर मांगा डबल मर्डर घटना रे मुख्य अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वाळ को पिटी पिटी हत्या करा जाय छिया परे जेउ माने पिटी छंती से माने ट्रक चढ़ाई छंती पुलिस सांघातिक अभियोग आनी छंती कांग्रेस नेता देवेंद्र साहू से बडे महांगारे चली थिबा एपरी कार्य पई मंत्री प्रताप जेना को जम्मू आख्या देछि बीजेपी तो मरिछि मु जाइथिनी स्पॉट देखिया को सेठी केबे कई लोक काई सेठी जाई ठिया हबो इता ट्रक चढ़ेबो जना पड़ी ताकू इंजोर्ड करके बाड़े की इंजोर्ड करके सुहाई ऊपर ट्रक चढ़ाई एवं ट्रक मध्य किए कर जो लोग मर्डर करने ट्रक हो प्रफुल्ल विश्वाळ हत्याकांड घटना को नहीं कांग्रेस विस्फोरक बयान प्रफुल्ल को हत्या कर प्रफुल्ल को प्रथम पिटी पिटी अचेत कर गाड़ी चढ़ाई दि जा प्रथम बाड़े कि इंजोर कर ओ यहाँ परे तांकु सुवाई दिया जाइछि आउ जेउ लोक मर्डर करिवा पई सुवाई छंती ट्रक तांकर होइछिबो बोली सांघातिक अभियोग आनी छंती कांग्रेस नेता देवेंद्र साहू महांगा डबल मर्डर घटना रो मुख्य अभियुक्त कुहा जाउथुबा प्रफुल्ल विश्वाळंक मृत्यु को नै सस्पेंस लागि रहिथिबा बेले कांग्रेस देइछि विस्फोटक बयान देवेंद्र अभियोग करिछंती फुटपाथ रो मृतदेह मिलिछि जेउ स्थान रे दुर्घटना घटिछि से लाइन जनगहली दुर्घटना घटाई ट्रक कुआड़े चली गला कौन कही जानी पाले ना तेपटे घटना रे पुलिस रो भूमिका को नहीं प्रश्न उठाई बीजेपी पुलिस एठी बीजेडी रो कर्मी साजिछि बोली दल अभियोग करिछि एटा निश्चित होरे कने ट्रक ट्रक पळेला कौन कही जानी पाले नी एते से लाइन टा सब बळे बिजी लाइन सब बळे 9:30 सब बळे गाड़ी चले एतु जणा पडुछि क्लियरली ताको मारिया बोली सेठी बाड़े 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 इंजोर कसाला पर मुर्छा आई बिजु जनता दल रो कर्मी साजिछि एठी पुलिस आउ आईन मंत्री ये तो भाई भाई है कि राजनीति में चलते ये पुलिस पूरा प्रोटेक्शन दौर आप देखुए 13 नंबर मुद्दा मंत्री प्रताप जेना ना अच्छी 302 दफा लगी खुलम खुला सभा समिति करफआईआर नजर पकातु कुलमणि बराल पुह उमाकांत बराल को प्रफुल्ल विश्वाळ फोन करल्लेख रही मंत्री प्रताप जेना फसाई कथा से उल्लेख कर प्रफुल्ल उरफ काबुआ तांकु 9114582551 नंबर रु तांकर मोबाइल नंबर 9938357982 नंबर को फोन करिथिले आ एने से पुलिस को फोन जगे जणाइबा सह गृह विभाग सीएमओ ओ डीजी को ठारु आरंभ करी जिला प्रशासन को ईमेल करी अवगत कराई छंती जहार कॉपी ऊपर नजर पकांतु ए विजुअल ही बयान करूची रमाकांत पुलिस को सब जणाइबा पारे भी पुलिस जेपरि एक्शन नेबा कथा नै नाही समालोचना विरोधी से फोन करपाखि 2:05 फोन कर गोटे मिनिट 40 सेकेंड मो सारे कथाई से जहाँ कथाई मु
ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅକୁ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳକୁ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି କଥା ଜାଣିଲୁ, ତ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏ ଖବର ପାଇଲାର ପରେ ପରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି? ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଯେତେବେଳେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ମୋତେ ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ କଥାରେ ପୋଲିସ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ପୋଲିସ ଟ୍ରାକ୍ କରି କହୁଛି ସେ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି, 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳୁଛି, ଏସବୁ କଥାରେ ଆମେ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ହେଇପାରିଲୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ କୁଳମଣି ବରାଳ ପୁଅକୁ ସେ କାହିଁ ଫୋନ୍ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ସେ କୁଳମଣି ବରାଳ ପୁଅକୁ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ମାରିଛି, ଯାହା ନାଁରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ FIR ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ଭରସା, ତା'ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମର୍ଡ଼ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ବସିଛି, ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଥିଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକଥା କହିବି ଯେ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଇକି ଯିବି। ସେପଟେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କର ସଢ଼ୁ ଅରୂପାନନ୍ଦ ଜେନା ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ ପାରେ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋକୁ, କେମିତି ବିଜେଡ଼ିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ସହ ରହିଛି ଅରୂପାନନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସଢ଼ୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ନେତାଙ୍କ କଥାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଭୟଭୀତ କରାଯାଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଇପାରେ। ଏଠି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚାପରେ ଚାପି ହେଇଗଛି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର କର୍ମ ଭଲ ଥାଉ ମନ୍ଦ ଥାଉ ଖରାପ ଥାଉ, ଏ କଥାଟା ଜମ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଜୀବନ ନେବେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମହାଙ୍ଗାନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଜମଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବଳିଗଲେଣି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ହତ୍ୟା, ଏହାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଶିବାନୀ ସାହୁ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଓରଫ କାବୁଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ସେପଟେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଡିଜିଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଡୁଛି ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ମହାଙ୍ଗା। ହେଲେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପୋଲିସ ମୁଖିଆ କେମିତି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭେ? କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଛି ତୁଣ୍ଡି? ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସହ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖିଆଙ୍କ ନିରବତା ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 2021 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ମହାଙ୍ଗାର କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଓରଫ କାବୁଆ। ହେଲେ କଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲେ ହେଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ନିରବତା ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ। ମେ 3 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଆ, 5ରେ ଇଂରାଜୀ, 7ରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ, 8ରେ ସଂସ୍କୃତ, 9 ତାରିଖରେ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ, 10ରେ ଗଣିତ, 12ରେ ବିଜ୍ଞାନ, 15ରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସକାଳ 8ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପରୀକ୍ଷା। କେବଳ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମିଳିବ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ବାହାରିଛି, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମେ 3ରୁ ମେ 15 ଯାଏଁ ଆମେ ଆଗରୁ ଅଣା ଅଧିକ ଅବଗତ ଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ, ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆମର ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସ୍କୁଲରେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି, ଆମର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଡେଟ୍ ବି ଫିକ୍ସ ହୋଇସାରିଲାଣି। 3ରୁ ମେ 15 ଯାଏଁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ତେବେ ଆମେ ଆଗାମୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବା ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। କାମ ଦେଉନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5T ଓ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା। ଆପେକ୍ସ କମିଟି ବୈଠକ ଖୋଲିଦେଲା ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ। ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି UC ଦାଖଲ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବିଭାଗ। 34 ବିଭାଗ ଉପରେ ଗଡୁଛି 34,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ UC।
देखिबा ए रिपोर्ट। काम देउनी राज्य सरकार को 5T ओ मो सरकार योजना अपेक्स कमिटी बैठक खोली देला सरकार को पोल अर्थ खर्च करी यूसी दाखल करूनांती सरकारी विभाग 34 विभाग उपरे गड़ुची 34,000 कोटी रु अधिक यूसी मनमानी करुछंती सरकारी बाबू पब्लिक अकाउंट कमिट को देउनांती खर्च होइथिबा टंकार हिसाब 2003-04 मसिया रु 34 विभाग उपरे गड़ुची हजार हजार कोटी टंकार यूसी केन्द्र सरकार विभिन्न भित्तिभूमि सुदृढ़ करने लगी एवं सुधा 34 विभाग को दे 34,031 कोटी टंका मात्र विभाग गुड़िक समस्त टंका खर्च करिथिले भी आज पर्यंत यार विनियोग प्रमाणपत्र देना एने एजिंग पक्षर बारंबार सरकार दृष्टि आकर्षण करने 18 पीएससी कमिटी सुपारिश कर एजिंग पक्षर मिलता तथ्य अनुजाई पंचायतीराज विभाग उपरे रही सर्वाधिक बकेया यूसीए यह विभाग में 2003 वर्षरु आज पर्यंत 13,624 कोटी 44,00,000 टंकार यूसी बाकी रही है। नगर उन्नयन विभाग 5,616 कोटी टंका बकेया रखिता बेले योजना और संयोजन विभाग उपरे 2,927 कोटी विद्यालय गणशिक्षा विभाग उपरे 2,569 कोटी स्वास्थ्य विभाग उपरे 2,553 कोटी उच्च शिक्षा विभाग उपरे 1,622 कोटी टंका बकेया रही है जहाँ को नहीं सरकार को कड़ा समालोचना करिछंति विरोधी एटी कंपनी का माल और दरिया में डाल बोल कि राजकोषर पैसा सरकार को पैसा गरीब लोक पैसा से पैसा को माने मन इच्छा खर्च करेंगे यूसी देवे नहीं ऑडिटर कंप्लेन करेंगे नहीं आप जी देखिए अधिकांश डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटर जो अधिकारी मैंने अच्छा किए तागिद कला भलिया सरकार तरफ गाइड कला भलिया कि तागिद कला भलिया कि विरुद्ध में कौन प्रकार एक्शन ने भलिया कार्य ये सरकार करूना जो से मन इच्छा 20 वर्ष ऑडिट रिपोर्ट ऊपर भी कंप्लेन हो नहीं आप जानते अनेक गुड़े विभाग अच्छी जोटि अधिका पैसा दि जाए मैंने आमर जो एस्टिमेट थोड़ा एस्टिमेट बाहर दि जाए देने धरा पड़जे से मैंने समय देखू विधानसभा जो आम सीज रिपोर्ट दिखती सीठी मैंने देखा जाए जो ऑडिट रिपोर्ट भूल बाहर कर दिखती जो आवश्यकता ना पैसा दि जाए ये मैंने गुड़े डर दे मैंने बहुत दुर्नीति अच्छी बहुत मैंने मुनाफा लोक मैंने दिखाई जो पदा दौना राज्य सरकार प्रशासन को चलचंचल करने लगी 5T और मो सरकार भली कार्यक्रम करणमूल स्तर में कार्यानुष्ठान लगी जिलापाल मैंने मंग धरीता बेले राज्य स्तर में सचिव स्वतंत्र सचिव अतिरिक्त सचिवों भी बहु वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी रही एसबू बाद विभाग मंत्री थरक थर समीक्षा बैठक कर हेले फल किंतु शून्य तेरे बकेया यूसी प्रसंग नहीं पीएससी कमिटी ठारु महालेखागार पर्यंत समस्त उद्वेग प्रकाश करिबा परे सरकार पक्ष तत्परता प्रकाश पाई निकटे अर्थ विभाग मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार आपेक्स कमिटी बैठक डाकी तुरंत पदक्षेप ने लगी मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र सबु विभाग को तागिद करपरी स्थले विलंबर कारण लगी पूर्वतन अर्थमंत्री तथा शासक दल नेता कोरोना आलो देखाई स्वाभाविक अवस्था कहीं करोन समस्त कार्यक्रम ठप हो जाता 9 मास काल जिते प्रशासनिक विलंबित प्रशासनिक व्यवस्था से ऑडिट इत्यादि कार्य करने ऑफिशियल अटेंडेंस एबे यही मात्र 100% हाँ जा 50% चली विभिन्न ये सब समस्या रही जो कि ऑडिट विलंबित होजी ढंग दृष्टि किंतु तार मुख्य कारण हूँ कोरोना जनित समस्या तेरे एठार प्रश्न केन्द्र अवहेला प्रसंग को बारंबार दोहराउथिबा राज्य सरकार कहीं खर्च होउथिबा केन्द्रीय अर्थर हिसाब रखुना केलेंकारी को लुचाइबा को समय गड़ाउछंती सरकारी बाबू भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन बेहरा दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। झराफुल मृत्युर 15 दिन पर भी पुलिस हाथ खाली साइंटिफिक टीम प्रमाण आधार में कारण खोजुच पुलिस एपटे तदंत प्रक्रिया नहीं प्रश्न उठाइले झराफुल पर घटना को चापी देवा पुलिस प्रयास करुवा अभोग आके झराफुल मृत्यु घटनार सीबीआई तदंत कर लोके दावी कर
दिनरे मौज रातिरे मृत्यु प्रेमरु आरंभ मृत्युरे शेष राकेश रहस्य रातिरो राज हत्याकांडर 14 दिन परे भी पुलिस पाउनी क्षय रमादेवी छात्री झराफुल नायक मयूरभंजरे जन्म राजधानी रे मृत्यु प्रेम प्रीति प्रतारणार कहानी मध्यरे लिभिगला झराफुलंक जीवन दीप झराफुलंक मृत्यु किपरि हला किभळी झड़ी पड़िले झराफुल एबे भी झराफुलंक मृत्यु को नै रहस्य ही रहस्य जहार खिय खोजी पाउनी जाजपुर कुआखिया पुलिस दिन परे दिन गड़ुछि अड़ुआ सूतारे छंदी होई पड़ुछि झराफुल मृत्यु घुमर तबे कौन थिला झराफुलंक पूरा कहानी 24 तारीख सकाळ 9:30 रु 10टा मयूरभंजरु आसी भुवनेश्वर ओल्लाइथिले झराफुल आ पुरुष बंधु राकेश सहित दिन सारा बुलाबुली करथिले 24 तारीख समय अपराह्न 4:45 पुरुष बंधु राकेश झराफुल को रमादेवी विश्वविद्यालय निकट में छाड़ देता और झराफुल लोकाल गार्डियन चक्रधर बेहरा घर को जन्मदिन पार्टी अटेंड करने को जाते और 25 तारीख दिन पूरा राति चक्रधरों घरे रही 26 तारीख दिन 11:15 जयदेव बिहार लोकाल गार्डियन झराफुल को बस स्टाण्रे छाड़े आड़ेश्वरी बस रार नंबर सीट में बस घर मुहां होते झराफुल 26 तारीख दिन 11:20 बाणीबिहार पेट काटुवा और किसी जिनस छाड़ आसवा कही बाणीबिहार ठारे ओह्लै पड़ते झराफुल आठू राकेश को फोन कर डाकते 26 तारीख दिन 12:20 फास्टफुड दुकान राकेश और झराफुल बुलाबुली करने एयरफिल्ड थाना अंतर्गत एक रेस्टोरेंट को खावाई जाते और सेठे बिरीयी अर्डर करते हेले देह असुस्थ थिबा कहि झराफुल बिरीयी खाई नथिले 26 तारीख अपराह्न 2:30 रु 3टा धर्मविहार शिवसाई गेस्ट हाउस उभय पूरा राति काटिथिले ओयो होटल रो रूम नंबर 201 रो बंद कोठरे 27 तारीख सकाळ 7:21 सकाळ झराफुल को अचेत अवस्था रे मुहरु फेण बाहुवा देखि राकेश बंधु शेखर को फोन करथिले उभय एक नाली रंगर स्कूटर रे झराफुल को मृतदेह धरी होटल रु बाहरी जाइथिले 27 तारीख समय सकाळ 9:10 जाजपुर कुआखिया राकेश और तार सहयोगी शेखर झराफुल मृतदेह को स्कूटर मझे बसाई फोपाड़ी देते जाजपुर कुआखिया जो झराफुल मृतदेह देखि स्थानीय लोके पुलिस को खबर देते जाजपुर कुआखिया पुलिस सेबे ठारु तदंत करुछि श्रोतु झराफुल मृत्यु को नहीं कौन कहते पर लोके जो एम नहीं पाठ पढ़ुला पाठ पढ़ा भी तार अधा बाटे सी रहीगला किंतु आमे जहा मु अनुमान करुची से बाहर के नंबर पाई नए गाँव रु ही नंबर कौ पिला कि कौ झील नंबर दे थे ना एत साहस कर पार से गोटे बाहर पिला आसिक गोटे झील को भल पाइबा के आशा कर किंतु असल गुमर कौन सी बाहर ना गाँव रु ही असल गुमर बाहर कि दावी रखी जे जदि पुलिस प्रशासन किसी करें सीबीआई कि राज्यस्तर किसी कर पुलिस प्रशासन जब जदि भी दोषी को धरिकी नहीं दे सारी आदि से आहरी आग को बढ़ापाई सीबीआई तदंत करा दोषी तांगे जी थी भी धरा जाऊ आहरी कौन कौन होता सब कथ बाहर को आसू घटना को बीतानी 14 दिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज अभियुक्त राकेश आत्मसमर्पण तीन दिन रिमांड राकेश डेमो घटनास्थल ओयो गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट होटल कर्मचारी को जेरा परे एजाबत अंधार में बाड़ी बुलाऊ पुलिस से मृतदेह फिंगे व्यवहृत स्कूटी को पुलिस विलंब से ठाब कर राकेश सहयोगी शेखर और झराफुल मोबाइल निकट में पुलिस पहुंच पारि पुलिस प्रशासन तार इन्वेस्टिगेशन चल से मुदिन भी कथबार्ता एसडीपीओ सार सहित ओआईसी कुआखिया सहित किंतु से मत कौन प्रकार तथ्य मान सठिक तथ्य दौना जहाँकि से कहते जे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे चली खूब शीघ्र आपड़ जापर दोषी दंड पाइब ये दोष कर दंड निश्चित पाइब एक कथा कहीक मो मन को सांत्वना देवाई से चेष्टा करतचकित हो केस अन्नो लाइन को चली जाऊनी तो केस एमती तदंतरे रही रही फाइल तोड़े चपा ही करी रही जीवो नहीं तो झराफुल मृत्यु हत्या ना दुर्घटना कौन थी रहस्यमय रात्रि राज रूम नंबर 201 कौन घटी
विषक्रिया जो झराफुलों मृत्यु होता ना कारण किसी अलग झराफुलों हृदय दे भल पा राकेश देह असुस्थ जाने कहीं ना मेडिका यह केवल एक दुर्घटना ना पूर्व पूरा घटनार क्राइम प्लट रचि राकेश एसबुक नहीं जाजपुर गुआखिया पुलिस एवं कुहुड़ी पड़ुता बेले एवं अपेक्षा भिसरा रिपोर्ट को ब्यूरो इनपुट मयूरभंज करंजिया बिंदुसर दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज। देवभूमि उत्तराखंड में हिमस्खलन जोगु अलकानंदा और धौली गंगारे देखाजाइथिला आकस्मिक बन्यारे मृत्यु संख्या 26 को वृद्धि पाई घटना रे निखोज संख्या 202 को वृद्धि पाई प्रशासन पक्षर आकलन कर निखोज को उद्धार करने लगी आईटीबीपी सेना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पक्षर व्यापक तलाशी जारी रही चमोली जिलार तपोवन सुडंग मध्यरे मिलित बाहिनी पक्षर उद्धार कार्य को जोरदार कर 250 मीटर लंब यह टनेल रु पंक कादु बाहर कर टनेल मध्य 24-25 जन शनिवार फसी रही बेले संपर्क में कौन सूचना मिल पारिना निखोज व्यक्ति 170 जन श्रमिक ए श्रमिक मैंने एनटीपीसी और ऋषिगंगा पावर प्लांट रे कार्य करुले उद्धार मृतदेह मध्य मात्र दुईट को चिह्नट कर मृत्यु संख्या आहरी वृद्धि पाइबा आशंका रही। तबे देवभूमि उत्तराखंड में होता हिमस्खलन में चांदबाली ब्लक जड़े व्यक्ति निखोज थी जना जिलार बांसड़ा थाना कुदकांथी ग्रामर नागार्जुन दास निखोज थी जमापड़ी से उत्तराखंड ठारे ऋषिगंगा पावर प्रकल्पर तपोवन रेणी ब्यारेज रे इलेक्ट्रीशियन भाव कार्य करुले नागार्जुनों सह पर लोके जोजोग करते कौन सूचना मिल पारिना तेरे चांदबाली भागीरथी सेठी आम प्रतिनिधि आम सहित फोन लाइन जोड़ भागीरथी जो देवभूमि उत्तराखंड में जो हिमस्खलन होता से कह चांदबाली ब्लक जड़े व्यक्ति रही जाते बर्तमान सुधा सहित परिवार पक्षर कौन जोजोग हो पारा कि निश्चित देवसिंह देखो जो उत्तराखंड में हिमस्खलन जो जो 170 जन श्रमिक निखोज अच्छा चांदबाली जन श्रमिक अच्छा इलेक्ट्रीशियन कार्य करते सुधा निखोज अच्छा सूचना मिली पर बर्तन पक्षर पर भेटी निश्चित भाव पर शोकाकुल परिवेश सृष्टि कहीं दावी कर सरकार स्पष्ट करना कौन तर निश्चित भाव में भयर वातावरण देखा बर्तन चंदन तेरे भागीरथी पर लोकों प्रतिक्रिया कौन आसुची बर्तमान सुधा स्पष्ट होनी जे से जीवित अच्छा ना मृत अच्छा उद्धार कार्य बर्तमान सुधा जारी रही जो लोक बर्तमान सुधा रेस्क्यू करुवक जनक रही कि निश्चित भाव पर जो 170 जन निखोज अच्छा पर लोक दावी कर पुओ रही पर बापा दावी करपटे से पाखापाखि 5-6 मास घर जाती निश्चित भाव में जब जना पड़े तदंतर जना पड़े जदि से अच्छा कि जीवित अच्छा कि निखोज अच्छा सरकार स्पष्ट कर निश्चित भाव पर लोक आशा आशंकर रही तेरे भागीरथी जो भाई भाव जो युवक जनक बर्तमान सुधा नहीं कौन स्पष्ट सूचना जदि मिलनी स्थानीय प्रशासन सह जोजोग करते कि पर लोके निश्चित भाव में बापा हूँ कि स्त्री पर समस्त निश्चित भाव में जिला प्रशासन को अनुरोध करते शीघ्र स्पष्ट करूँ जो निखोज हुआ घटना अनुरोध कर जिला प्रशासन को स्पष्ट सूचना मिली जाए बहुत बहुत धन्यवाद भागीरथी सेठी चांदबाली प्रतिनिधि जे कि आमको सूचना देउथले जो देवभूमि उत्तराखंड में हिमस्खलन होइछि सेथरे चांदबाली ब्लॉक रो जने व्यक्ति वर्तमान सुधा निखोज अछंती वर्तमान से जीवित ना मृत जदियो प्रशासन पक्षरु कोनोसी सूचना दिया जायनी जेउति पई परिवार लोके बारंबार जोगाजोग सते मध्य ए वर्तमान सुधा कोनोसी सूचना मिलि पारि नाही। तबे समय सरीचे बुलेटिन को एट रखुचु नमस्कार।